स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आ गया है सैमसंग का ब्रांडिंग फोन A70s। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी यूनिक चेंजेस होने वाले हैं इस बार, काफ़ी बढ़िया फीचर, क्योंकि S वर्जन है और काफ़ी इस बार दिखने को एक सबसे बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट फीचर्स का बता देता हूँ। 64 मेगापिक्सल का आपको इस बार ट्रिपल कैमरे के अंदर प्राइमरी लेंस मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल। चलिए थोड़ा सा बॉक्स पे नज़र मार लेते हैं, पीछे की साइड ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। भैया इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिलने वाला है, ट्रिपल कैमरा स्लॉट दिया गया है, सुपर फास्ट चार्जिंग भी दी गई है और जनरल स्पेसिफिकेशन के बाद शो कर। तो जैसा कि फ्रेंड फटाफट बन जाता हूँ ब्लडी सर्जन और कट कर देता हूँ सील को ओपन। यहाँ पे मैंने कट कर दिया और बाहर मैंने एक चीज़ और देखी, इंडियन सिम कार्ड ओनली, मुझे कौन सा अमेरिका जाना है भाई। चलिए बॉक्स को कर देते हैं ओपन और देख लेते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ऊपर की साइड यहाँ पे दिख जाते हैं थोड़े से भैया, नई तरीके से आजकल देने लग गया है सैमसंग के अंदर चीज़ें। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको, सबसे बढ़िया खूबसूरत सा एक वाइट केस नॉर्मल जो हमारे सभी फ़ोन के साथ आता है, और ये हमारे जो बिगना काम की चीज़ें जो मैं कभी पढ़ता नहीं, इसको भी करता हूँ साइड में। और कुछ है क्या यहाँ पर, और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसको भी मैं कर देता हूँ साइड में। निकाल लेता हूँ फ़ोन को बाहर और कर देते हैं इसके और थोड़ा सा डब्बे के अंदर की बातें। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा ईयरफोन और इसी के साथ एक मिल जाता है हमारा टाइप सी चार्जर, ये काफ़ी बढ़िया है इस बार हमारे सैमसंग ने करा है। और देखा जाए तो इस बार मिल जाता है आपको सुपर फास्ट चार्जर। जी हाँ, तो सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है आपको, मतलब छोटा सा हथियार एक और लास्ट में जो निकल के आ जाता है पीछे की साइड से हमारा सिम ओपनर टूल, ये तो बहुत खास है, ये काफ़ी पसंद है मुझे। फ्रेंड्स आपको ला गया है मेरा हाथ में मोबाइल का ओवरव्यू भी देख लेते हैं और इन सारी चीज़ों को मैं करता हूँ थोड़ा साइड में। तो फ्रेंड कर लेता हूँ फ़ोन को फटाफट रैप से बाहर, काफ़ी खूबसूरत सा फ़ोन यहाँ पर मेरे पास आया है इस बार। यहाँ पर प्रिज्म ब्लैक कलर मेरे को मिल जाता है बैग के अंदर A70 के अंदर, काफ़ी ये बढ़िया चीज़ सबसे पीछे कलर की क्वालिटी नज़र आती है। तो पीछे से चले शुरू कर देते हैं, इसके बाद ट्रिपल कैमरा का स्लॉट आपको मिल जाएगा, प्राइमरी लेंस आपको मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के अंदर फर्स्ट टाइम आपको इतना मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, वो भी सैमसंग का ही सेंसर। 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है डेप्थ अल्ट्रा वाइड शॉट, वहीं 5 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा डेप्थ सेंसर और यहाँ पर आपको LED फ्लश। और अगर बात करें इसके बैक साइड की, तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक में इस बार आपको मिलेगा कवर, क्योंकि ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है और ना ही कोई ग्लास की बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पर आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा साइड की तरफ भी नज़र मारते तो इधर मिल जाता है आपको वॉल्यूम की, इसी के नीचे हमारा पावर ऑन ऑफ बटन, और नीचे की साइड की बात कर ले तो टाइप सी चार्ज करने के लिए चार्जर, 3.5 mm का आपको ईयरफोन जैक और एक सिंगल स्पीकर और हमारा छोटा सा माइक्रोफोन। थोड़ा सा आगे चलते हुए कि यहाँ पर फ्रंट की डिस्प्ले क्वालिटी की भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मिल जाती है आपको सुपर एमोल्ड डिस्प्ले और आ गया है, बूट अप कर लिया मैंने फ़ोन को, तो दिख रहा होगा आपको ब्रांड के सैमसंग गैलेक्सी A70s। जी हाँ दोस्तों, और फ्रंट पे आपको मिल जाती है यू इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। फ्रेंड्स चलिए हो गया हमारा फ़ोन बूटअप और आपके सामने आ रही होगी 6.67 इंचेस का यहाँ पर सुपर एमोल्ड HD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले का तो कोई तोड़ नहीं है सैमसंग के मुकाबले में। और अगला ही आप व्यक्त कर लेते हैं सबसे बढ़िया जो दिलों की जान दिलों की धड़कन हमारा कैमरा फ़ोन। तो कैमरा आपको नज़र आ रहा होगा, टर्न ऑन बोल रहा है, लोकेशन टेक ऑन कर भी देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और इसी का अल्ट्रा वाइड एंगल भी आपको दिखा देता हूँ। इसका अल्ट्रा वाइड शॉट भी काफ़ी शानदार आपको नज़र आ रहा होगा कैमरा इसका। इसके अंदर आपको दो नए फीचर्स मिल जाएंगे कैमरा क्वालिटी के अंदर। अगर बात करें वीडियो के अंदर, तो आपको मिल जाती है सुपर स्लो मोशन, कुछ नया इस बार इंटरेस्टिंग दिया है सैमसंग ने। और वहीं अगर थोड़ा सा और आगे देखा जाए तो आपको मिल जाएगा हाइपर लैप्स मोड। यहाँ दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ अट्रैक्टिव बनाती है सैमसंग के फ़ोन को। फ्रेंड्स अब यहाँ पर कैमरा क्वालिटी तो आपको सामने मैंने रख दी है, अब देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है और कौन सा प्रोसेसर पर वर्क करने वाला। तो चलिए चलते हैं इसके सेटिंग में, देख लेते हैं इसका अबाउट फोन भी जाकर ये अबाउट फोन में आ गया हूँ, मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन क्या किया। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये एंड्रॉइड 9 पाई पे वर्क करेगा और इसका प्रोसेसर की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 675 का प्रोसेसर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस रेंज में सिर्फ माइनस पॉइंट सबसे ज़्यादा यही है कि इसमें प्रोसेसर काफ़ी थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगा, 30,000 की रेंज में काफ़ी कम है। दूसरे फ़ोन के अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है अभी के टाइम में। चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ा इसके सिक्योरिटी ऑप्शन की बात कर ली जाए, तो इस बार इसमें आप सैमसंग के अंदर जैसे ए सीरीज के अंदर सभी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया है। तो चलिए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितना फास्ट ये काम कर रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड अगर इसका फिंगरप्रिंट चेक करें तो वही पुराने मोड में, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है, इतना नहीं है जितना अगर फोन में देखने को अभी आ रहा है या सैमसंग के अगर S सीरीज या फिर नोट सीरीज में देखा जाए, तो काफ़ी बढ़िया ठीक है ठाक है इसके अंदर भी हमारा फिंगरप्रिंट लॉक। और बात करें अगर इसके बैटरी बैकअप की, तो आपको यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, वो भी 25 वाट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अपने फास्ट चार्जर ये भी बढ़िया ही है, ठीक है इस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा कम है।
बुराई शुराई और प्राइस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर इस फोन की, तो आपको ये इंडियन मार्केट के अंदर बॉक्स के ऊपर दिक्कत हज़ार प्राइस दी थी, लेकिन मार्केट के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा 29,990 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये कि इतना अगर प्राइस अगर सैमसंग इस बार ले रहा है तो इसके अंदर थोड़ा परफॉर्मेंस की कमी है। और अगर देखा जाए तो आपको मेटेलिक यहाँ पर ग्लास की बॉडी भी नहीं मिलती, सिंपल पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलती, ये भी माइनस पॉइंट। अगर इसी रेंज में अगर आप एस नाइन की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे। और अगर A50s भी सेम टू सेम, सिर्फ आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और थोड़ी सी पावर वाला चार्जर, बाकी तो सब सेम ही है। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन यही है आपके लिए, अगर आप चाहें तो A50s या फिर सैमसंग का S9 भी परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए टेकआउट की फैमिली के साथ।